तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत कर रहे हैं पावर बीआई में, और पावर बीआई में हम बात करेंगे पावर क्यूरी में समराइजेशन का क्या रोल है। तो सबसे पहले एक डेटा हम आपको यहाँ पे शो करते हैं। मेरे पास एक डेटा है, डेटा में आप देख रहे हैं यहाँ पे डेटा, हाँ डेटा आपके सामने, जिसमें डेट है, नेम है, सिटी है, एरिया है, क्वांटिटी है, एमआरपी। अब मैं इस डेटा को पिवट पे लोड करना चाहता हूँ और सिटी वाइज, जैसे कि अभी इम्तियाज जी ने बोला कि सिटी वाइज उनके पास ए है टारगेट है, उसको कैसे ऐड करें। तो चलिए इसी मेथड को अपनाते हैं और अब आपका आपके साथ हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात समझ लीजिए कि हम अगर पावर बीआई में डेटा डालते हैं, तो गेट डेटा पे जाता हूँ, एक्सेल और डॉक्यूमेंट में आता हूँ, और यहाँ हमारे सामने डेटा है, इस डेटा को लेता हूँ एंड ओपन करता हूँ। सॉरी डेटा फाइल यूज, मतलब कि डेटा फाइल पहले से खुला हुआ है, क्लोज कर देते हैं। ध्यान रखिएगा पहले से फाइल खुला हुआ है तो लोड करने में दिक्कत करता है, हमने इसको ले लिया। सीट वन, अब देखिए यहाँ पे सीट वन को डेटा है सिटी वाइज, क्वांटिटीज भी है। अब इसको मैं यहाँ पे जाता हूँ ट्रांसफॉर्म डेटा पावर क्वेरी पे आता हूँ, अब इसमें हमें सिटी वाइज टोटल चाहिए, सिटी वाइज टोटल डेटा चाहिए। तो अब इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, क्योंकि मेरे पास जो सिटी का टारगेट है वो कहीं और है, किसी और सीट पे, समझ गए। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, क्यों करना होगा, हम बताते हैं आपको। तो यहाँ पे आपके सामने हमने आपको बताया था स्प्लिट ग्रुप बाय, ग्रुप बाय में हमने नेम की जगह पे सिटी ले लिया, काउंट की जगह पे हमने यहाँ पे टोटल, काउंट ऑफ रो के जगह पे हम सम करते हैं, और यहाँ आईडी की जगह पे क्वांटिटी करते हैं। क्या आ गया, अब इसको लोड एंड क्लोज कर देता हूं मैं। क्लोज हो रहा है, तब तक मैं अपने सिटी वाइज डेटा पे आता हूं और इसको यहां पे मैं रिन्यू डुप्लीकेट कर लेता हूं ताकि मुझे इसका यूनिक पता चल जाए, और यहां पे मैं टारगेट कर लेता हूं, टारगेट तब तक वो डेटा हो रहा है, तब तक मैं यहाँ पे इसका यूज कर लेता हूँ। हो गया, अब मैं यहाँ एंटर डेटा पे जाता हूँ, आ गया, एंड इसको लोड कर देता हूँ। अब दो आपके पास देख रहे हैं, हमारे पास दो यहाँ पे डेटा है, दो डेटा, एक सिटी का यहाँ पे आ गया और यहाँ टेबल में हमारे पास सिटी और टारगेट है। तो मुझे इस वाले जो डेटा है टोटल के बाद मुझे इसका टारगेट ऐड करना है, तो इसके लिए भी हम पावर क्यूरी में ही जाएंगे, ट्रांसफॉर्म डेटा पे आते हैं। और आपको लास्ट क्लास में याद होगा मैंने आपको मर्ज क्यूरी में अपेंड क्यूरी समझाया था, क्यूरी के अंदर में आपको कंबाइन में हमने अपेंड क्यूरी समझाया था, अपेंड क्यूरी समझ में आ गया ना सर क्या था? जी सर, दो फाइल को जोड़ना अपलोड करना। जी हाँ, लेकिन अभी क्या है कि मेरी जो टोटल यहाँ है, मुझे यहाँ पे एक और टारगेट चाहिए जो कि टेबल वाले शीट पे, और यहाँ पे मैं इस सिटी नेम के अकॉर्डिंग यहाँ से उठाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हम मर्ज क्यूरी का इस्तेमाल करेंगे। तो मर्ज क्यूरी में यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए अपना
टेबल, दोनों टेबल आ गया। हमने बोला इसका स्थिति और इसका स्थिति दोनों क्या है, इक्वल। क्लियर है? देन मैंने यहां पे ओके कर दिया। अब यहां पे टेबल आ गया। अब आपको यहां से सिलेक्ट करना है कि इस टेबल का कौन कौन से फील्ड आपको चाहिए। हमने बोला इसका टारगेट का फील्ड चाहिए, टारगेट का फील्ड आ गया, और इसको यहां पे क्लोज एंड अप्लाई कर देते हैं। इसको क्या कहलाया गया, ये कहलाया गया रिलेशनशिप। हमने दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप करना कर दिया, लेकिन इसका रूल है, रूल है कि जो दो टेबल में आप करना चाहते हैं वो दोनों टेबल में एक यूनिक होना चाहिए। इसीलिए मैंने सिटी का टोटल पहले मैंने ग्रुप करके पहले टोटल निकाल लिया। अगर टोटल ना ग्रुप ना करता, पूरा का पूरा डेटा ही कंबाइन करता तो क्या दिक्कत होता। कि यहां पे देखिए मुजफ्फरपुर का टारगेट 1187 है, समझ गए। अब हो सकता है कि ये मुजफ्फरपुर जो है 10 बार आया हो, तो 10 टाइम। अब इसका मैं आपको समझाता हूं, इसको मैं क्लियरली समझाता हूं, इसलिए मैं दोबारा डेटा को कनेक्ट करता हूं। तो बेसिकली हर फिर रो में रिपीट होता, मतलब इतनी भी हाँ। और सम सबको सम कर लेता। अब मैंने यहाँ पे डेटा सीट को लेता हूँ, डेटा सीट नहीं तो कोई और आ गया, कैंसिल करता हूँ। अब इसी डेटा सीट को मैं वापस कंबाइन करता हूँ, दो डेटा है, सीट वन लेता हूँ वापस। तो अब यहाँ देखिए आपके जो डेटा में ये हमारा सीट टू जो आया है, इस सीट टू में डेटा इस तरह का डेटा टोटल डेटा आया है। अब मैं इसको यहाँ हम जाते हैं, मान लीजिए हम ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाते हैं और हम यहाँ पे इस टेबल टू पे आते हैं और मर्ज क्यूरी पे आते हैं, मर्ज क्यूरी में, और मर्ज क्यूरी में हमने ये सिलेक्ट कर लिया MZ और दूसरा हमने टेबल सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। याद रखिएगा दोनों के बीच में एक जो है यूनिक होना चाहिए, तो टेबल हमारा यूनिक है ना। यस सर। इसलिए अब मैं यहाँ पे ओके करता हूं। अब टेबल पे मैंने टारगेट को ले लिया, आ गया था टारगेट। अब मैं इसको लोड एंड क्लोज करता हूं। अब देखिए क्या फर्क होता है। अब मैं अपने डेटा पे आता हूं। मैं एक रिपोर्ट जो है यहां लेता हूं, एक रिपोर्ट जो मैं सीट वन के सिटी वाइज टोटल एंड टारगेट लेता हूं। टोटल लेजेंड में चला गया, हमें वैल्यू में देना है और टारगेट भी हमें सॉरी वैल्यू में, और यहां से बिठा के इसको वैल्यू में करना है। और काउंट ऑफ है, इसके जगह पे मुझे क्या करना है, सम करना है, सम, और यहां इसको भी देना है, इसको भी सम करना है। अगर मैं इसको यहां मैट्रिक्स में डाल दूं तो आप देखेंगे कि इसका टारगेट क्या है, 7072 दिख रहा है सर आपको। अब मैं यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, डबल क्लिक हो जा रहा है, डबल क्लिक होते ही आ जाती है ऑप्शन। अब मैं वापस जो है एक और मैट्रिक्स लेता हूं और इस मैट्रिक्स के अंदर में सीट टू का
सीट टू का हम यहाँ से नेम उठा, सिटी है ना, हाँ सिटी, सिटी उठाते हैं और यहाँ पे टारगेट उठाते हैं एंड क्वांटिटी उठाते हैं। आप देख रहे हैं फर्क पता चल रहा है सर? हेलो, यस सर। अब यहाँ पे जो है कानपुर का 7072 है जो कि हमारे इस टेबल में, हमारा जो टेबल है इसका टेबल का, उसमें दिया हुआ है कानपुर। तो वही सेम एग्जैक्ट यहाँ पे आया ना सर, बट इसमें आप कानपुर का देखेंगे तो कितना लंबा आ गया, क्योंकि जितना बार कानपुर आया उतना बार 7072 को ऐड किया। प्रॉब्लम समझ में आ गई? तो जब इस तरह का हो कि आपके एक डेटा में वैल्यू रिपीटेड टाइम में हो और दूसरे में एवन टाइम में हो और वो डेटा फिक्स हो हमारा, तो उस केस में आपको ग्रुप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ग्रुप करना पड़ेगा, ग्रुप करके लेके आना पड़ेगा। क्योंकि लास्ट क्लास में जब मैंने ग्रुप बताया था तो आप लोगों ने अच्छी तरह से रिएक्ट नहीं किया था, मुझे लगा कि आप लोगों ने ग्रुप को हल्के में ले लिया, लेकिन ग्रुप जो है इस तरह के मामलों में काफी ज्यादा हमें फायदेमंद होता है। तो सारा जी, अजय जी, इम्तियाज जी, सर, प्रॉब्लम सॉल्व? जी सर। अंकित जी आप भी हैं, आपका नाम नहीं लिया था, इस समय समझिए कि मैं आपको भूल गया। नहीं सर, नहीं। क्या ना सर, नाम लेते लेते थक जाता हूँ और नाम भूल भी जाता हूँ, सीधा पावर बीआई टीम बोल दिया कीजिए सर। ओके, तो इस समझ आपको पता चला ग्रुप का क्या यूज है? पहली चीज में आपने सीखा ग्रुप, ग्रुप बाय हम क्यों करते हैं, क्या बेनिफिट है, इसका बेनिफिट समझ में आ गया? यस। हेलो, दूसरा हम बात किए रिलेशनशिप, राइट सर? रिलेशनशिप पे हमने बात किया, तो रिलेशनशिप पे आपने देखा कि हमने मर्ज क्यूरी का इस्तेमाल किया, हमने ग्रुप किया दोनों दो शीटों को यहां पे, लेकिन इस बार अपेंड नहीं हुआ, मतलब कि एक के नीचे एक कॉपी पेस्ट नहीं हुआ, हमने एक किसी यूनिक नंबर या किसी एक की के बिहाफ पे दूसरे डेटा से लुकअप किया, उसी को बोला जाता है जैसे हम लोग एक्सेल में री लुकअप करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या हम वहीं से कर सकते हैं लुकअप या हमें यहां भी कोई ऐसा ऑप्शन मिल सकता है? तो अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट टेबल पे, हालांकि इसी में आगे बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे आपके सामने एक का यहां मान लीजिए कि हमने दे दिया टारगेट, एक फॉर्मूला होता है लुकअप वैल्यू जो कि बिल्कुल वीलुकअप की तरह होता है। लुकअप वैल्यू में यहां आपको बोलता है रिजल्ट कॉलम नेम कौन सा है, कौन से सीट का आपको चाहिए, तो हमने यहां टेबल का टारगेट सिलेक्ट कर दिया। अब बात कर रहा है सर्च कॉलम कि किससे मैच करना है, तो हमने बोल दिया टेबल का सिटी। अब यहां पे बोल रहा है कि सर्च वैल्यू क्या है, सर्च वैल्यू क्या है, तो हमने यहां पे इसका है सीट वन, हाँ सीट वन का सिटी ले लिया, समझ गए? और अगर नहीं मिला तो अल्टरनेटिव रिजल्ट यहाँ पे है और कई सारे फीचर्स को ऐड कर सकते हो, जैसे नेम मैच करना है, सिटी मैच करना है, तो वन जा सकते हो मल्टीपल डेटा लुकअप करके, तो ये लुकअप भी किया जा सकता है, लुकअप वैल्यू भी किया जा सकता है, बात समझे सर? लेकिन कई सारे, अभी तो चलो मैंने आपको जो क्यूरी बताई है विथिन टू टेबल्स बताई है कि दो टेबल के बीच में कैसे आप क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं, तो दो टेबल के बीच में आपका लुकअप वैल्यू भी परफेक्टली वर्क करता है, लेकिन अगर 5-7 टेबल हो जाएगा तो वहां पे लुकअप वैल्यू भी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको। दैट टाइम हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप जो है वो यूज नहीं करना है, हमें यूज करना है लुकअप फ्रॉम वैल्यू, लेकिन
हर दोनों का एक जगह है। अब यहाँ एक चीज है है कि अगर आपके डेटा में दोनों शीट में वैल्यू रिपीटेड है तो ये डीलोकर की तरह वर्क करेगा, पहला उठा देगा बाकी छोड़ देगा। बट आपका क्या बोलते हैं लुकअप वैल्यू ही आपका रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा, क्योंकि रिलेशनशिप बोलता है विद इन टू टेबल में एक टेबल में यूनिक होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हम रिलेशनशिप पावर क्यूरी पे ही करेंगे, हम यहाँ दिख रहा है आपको यहाँ मॉडल, यहाँ पे भी रिलेशनशिप कर सकते हैं। जैसे वहां हुआ तो यहाँ भी यहाँ देखिए रिलेशन हो चुका है, तो रिलेशनशिप हम यहाँ भी कर सकते हैं। ओके सर, हेलो सर, समझ में आया आपको कि नहीं? आगे सर, तो ये रिलेशनशिप आपको हम सही वैसे ये जैसे डेटा रिलेशनशिप मॉडल एक्सेल में होता है, एक्सेल में या क्यूरी में या फिर पावर क्यूरी में बात कर लें या फिर एक्सेस में बात कर लें, सेम। ओके, तो हमने अपना इसमें आते हैं ट्रांसपोज में, हाँ कि हमने आपको यहाँ क्यूरी के बारे में बता दिया, राइट? क्यूरी समझ में आ गया, क्यूरी का यूज क्यों होता है? उसके बाद यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स है, विजन्स है, अजूर लर्निंग है, तो ये इनसाइड के लिए होता है। इनसाइड जो है उसका यूज होता है, डेटा अजूर से हम बात करते हैं, जिसके आपको अजूर के बारे में पता होना चाहिए वरना ये नहीं होगा। तो अजूरे से अगर लिंक है तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, फिलहाल इसको छोड़ दीजिए क्योंकि इसका इंडिया में यूज नहीं होता जाता, ठीक है? तो होम मेनूबार में जो भी चीजें थी वो हमने आपको सब समझा दी। इसमें आपको एक पैरामीटर्स जो है जो कि मैंने आपको नहीं समझाया, लेकिन इसको मैं समझा दूंगा, और एडवांस एडिटर ये हम आपको बाद में बताएंगे, फिलहाल इसके लिए आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है? बाकी सब कुछ हम समझ चुके हैं, ग्रुप बाय हो गया, टेक्स्ट में टेक्स्ट टू यहाँ पे हो गया, रिप्लेस वैल्यू कर दीजिए, तो ये सब तो नॉर्मल चीज है, आप भी सीख सकते हैं। ट्रांसफॉर्म में हम आते हैं तो ग्रुप बाय हम समझा चुके हैं, और बाकी ये आपका आता है एक होता है ट्रांसफॉर्म, मतलब कि इस तरह से करेंगे तो आपका ये जैसे पेस्ट हम लोग करते थे, कॉपी पेस्ट करते थे, उसमें ट्रांसपोज था, वही आपका ये चीज होता है, समझे? बाकी नॉर्मल चीजें हैं, आप एक बार अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो चीज समझ में नहीं आएगा हम आपको समझा देंगे। कल से हम बात करेंगे कैलकुलेशंस के ऊपर में, तो कैलकुलेशन चाहे आप यहां कॉलम ऐड करें या अभी जो मैंने कॉलम ऐड करके लुकअप वैल्यू करके दिखाया, दोनों कैलकुलेशन हमारा सेम होता है पावर बीआई में। तो हम कल से जो है कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे कहां पे, अपने इस एक्सेल पावर बीआई के सीट के ऊपर, कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसके अंदर, जैसे अभी हमने लुकअप वैल्यू का इस्तेमाल किया, ठीक है? लेकिन उससे पहले आपको फंक्शन लिस्ट पढ़ने पड़ेंगे।